आज हम बनाएंगे चंद्रकला मिठाई, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में ये बेहद टेस्टी लगती है। तो इस होली पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। एक परात में मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैदा को मैंने छान लिया है और मैदे की जगह पर आप इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए एक चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से मीठी चीज़ें काफ़ी टेस्टी लगती है और मीठा बैलेंस भी हो जाता है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है। तो 1 कप में मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब मेल्टेड घी डाला है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें हम एक बढ़िया सा मोइन दे लेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बाइंड हो रहा है मैदा। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। मतलब डो को आप मीडियम भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ढीला डो को मत रखिए। मतलब डो को ज़्यादा नरम मत रखिए। तो बस ये डो हमारा तैयार है। इसको हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो इसको हम ढककर छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर पैन में 1 गिलास दूध लिया है। तो हम यहाँ पर मावा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी के साथ में हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ml दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। आप चाहे तो पहले से मावा तैयार किया हुआ भी ले सकते हैं। तो पहले तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एकदम लम्स फ्री बना लेंगे। और उसके बाद हम इसको गैस पर रखेंगे। तो गैस पर मैंने इसको रख दिया है और बढ़िया से इसमें हम बॉईल दे लेंगे हाई फ्लेम पर। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। बॉईल इसमें आ चुका है। मीडियम फ्लेम करके हम इसको बढ़िया सा थिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मावा हमारा एकदम से तैयार है। अब मावे को एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। और फिर से हमने वही पैन रख दिया है गैस पर। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 1/2 कप यहाँ पर डालेंगे पानी। तो चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो कुछ केसर के धागे भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं केसर के धागों की जगह पर। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। बस ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे। इसमें एक चिपचिपाहट आनी चाहिए। 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए। तो उंगली पर रफ करके देखिए इस तरीके से चिपचिपाहट हो रही है। तो ये तैयार है। अब अपने मावे को देख लेते हैं। अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर काजू ली है 3 टेबलस्पून के करीब। और 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें लिया है कोकोनट। और इसी के साथ में हमने बादाम लिए हैं 3 टेबलस्पून। और हमने यहाँ पर किशमिश ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट कर ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। इसी के साथ में इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। इससे बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार होगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो फिलिंग हमारी तैयार है। आटे को चेक कर लेते हैं एक बार। बढ़िया से इसको हमने स्मूथ कर लिया है आटे को। इसकी हम लोई बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बड़ी लोई बना रही हूँ, क्योंकि एक साथ में ही हमारी जो है 2 लोई तैयार हो जाएगी इसके साथ में। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। चकले पर हमने पहले ही थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो एक बड़ी सी लोई हम इसकी बेल लेंगे यहाँ पर। और लोई की थिकनेस आप इस तरीके से मीडियम रखें, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही मोटी रखें इसको। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास लिया है। तो आप क्या करें, अगर आपके पास में कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से भी इसको कट कर सकते हैं। राउंड शेप का हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाएगी 1 लोई से। और एक्स्ट्रा पोर्शन को वापस से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके किनारों पर पानी लगा देंगे और दोनों लोई पर इसी तरीके से हम पानी लगा लेंगे, ताकि आपस में बढ़िया से चिपक जाए। और इस पर हम 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे यहाँ पर मावे की, जो हमने फिलिंग बनाई थी। तो इसको दबा देंगे थोड़ा सा, और 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो बंद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब जो दूसरी लोई है उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से दबाते हुए चारों तरफ से चिपका लेंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं जैसे कि वीडियो में। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको हम चिपका लेंगे। अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए, कहीं पर भी ये खुलना नहीं चाहिए। अब इसका हम एक पैटर्न बना लेंगे। तो साइडों से किनारों से आप इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसका एक पैटर्न बनाकर तैयार कर लें। और बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बनाइए, आपसे भी ये बड़ी ईजिली हो जाएगा।
तो लीजिए, बनकर तैयार है। बहुत प्यारी लग रही है ना हमारी ये मिठाई, अभी से आप देख सकते हैं। तो सभी को हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। दूसरी लोई हमने बेल ली है, इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल लेंगे और इस पर भी पानी लगा देंगे हम किनारों पर। एक चम्मच फिलिंग रखेंगे, दबाते हुए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे चम्मच से ही। दूसरी लोई को उसके ऊपर रखेंगे और इसको फिर से दबाते हुए हम अच्छी तरीके से इसके किनारे चिपका लेंगे। फिर से इसी तरीके से हम पैटर्न बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है इसको बनाना। तो लीजिए, ये भी तैयार हो चुका है हमारा। तो सभी को हमने एक साथ में तैयार इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने सभी को तैयार कर लिया है। तेल को हमने मीडियम गर्म कर लिया है, एक एक करके इसमें हम डाल देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी बहुत अच्छी तरीके से खस्ता और क्रिस्पी हो जाए। तो बस इनको हम पलटते हुए इसी तरीके से सुनहरा कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया ही मिठाई लगती है खाने में, एकदम टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो इनको हम पलट लेंगे और बढ़िया सा सुनहरा कलर इनमें आ गया, आप देख सकते हैं। तो बस जैसे ही क्रिस्पी हो जाती है इनको हम निकाल लेंगे और निकाल कर तुरंत हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी हमारे यहाँ पर ठंडी है, मतलब ना इसे हमने गर्म नहीं किया है, क्योंकि गर्म हमारी जो ये चंद्रकला मिठाई है। बस तुरंत इनको फ्राई करके निकाले और चाशनी में डिप करते जाए। इस तरीके से चम्मच से आप इनके ऊपर चाशनी डाल दें और ज़्यादा देर के लिए आप इन्हें चाशनी में ना रखें, बस 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर सभी के ऊपर हम इस तरीके से चाशनी डाल देंगे और इनको हम निकाल देंगे। दूसरे बैचेस के भी हमने इसी तरीके से डाल दी है इसमें। तो सभी के ऊपर चाशनी डाल दें। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं, एक प्लेट में हम इनको सर्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में। और थोड़ी सी मैं इन पर पिस्ता की गार्निश कर देती हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इन पर लगा सकते हैं और केसर के धागे भी मैंने कुछ लगाए हैं इन पर। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार चंद्रकला मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए मैं आपको एक इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, एक मिठाई को हम चेक कर लेते हैं। तो आपको काटने से लग रहा होगा ना कि ये कैसी खस्ता बनी है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है अंदर से भी, तो एकदम खस्ता, और अंदर से मावे की फिलिंग आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई, और देखिए अंदर से भी कितनी बढ़िया स्टफिंग इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको